हेलो हाय दोस्तों, हाय दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को, मेरा प्रणाम, मेरा पहलाक, छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत कुछ नई चीज़ों के साथ। तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, 11 बज चुके हैं। तो परसों मैंने 11:30 से स्टार्ट किया था, आज 11 बज चुके हैं। तो सुबह आज हमारे यहाँ दिवाली होती है, तो उसको बुरी दिवाली बोलते हैं। तो शाम को दिखाएंगे, देखते हैं कि कैसा प्लान होता है। तो अभी का जो ब्लॉग है मैं आज दिखाने वाली हूँ, पहले तो दिखाऊँगी बाहर का मौसम, बाहर कैसा मौसम होता है वो दिखाऊँगी। उसके बाद दिखाऊँगी कि हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, मतलब बाहर जो सामने घर के बगल में खेत है उसको साफ़ कर रहे हैं, मतलब घास वास काट के। तो मुझे ऊपर फेंकना है क्योंकि हाथ का भी सही नहीं हुआ है, तो उंगली काम नहीं कर रही है। तो मैं घास फेंकने आऊँगी ऊपर जहाँ भैंस है। तो मैं आपको वहाँ दिखाऊँगी कि हमने वहाँ पे कल क्या कहते हैं, हरी सब्ज़ी लगा दी है, लाई बोलते हैं जिसको, तो पहाड़ी में। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले सबसे पहले बाहर का मौसम, उसके बाद दिखाऊँगी कि हमारे वहाँ एक कोई आई है साफ़ करने के लिए, तो हमने लगाई है। आपको दिखाती हूँ पहले बाहर का मौसम, तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, उसके बाद दिखाऊंगी कि कौन हमारे वहाँ आया है, एक नया मेंबर, मतलब कि दिखाती हूँ आपको बाहर का कि हमारे यहाँ साफ़ सफाई के लिए आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। हमारे यहाँ कुछ इस तरह का मौसम है आज, सुबह सुबह का मौसम देखो मेरे दिल को, तो आज हम क्या कर रहे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं साफ सफाई। तो ये देखो हमने इतना साफ सफाई कर दी। एक बबीता दीदी आई हैं, बबीता दी, बबीता दी, बबीता दी, अरे यहाँ से नहीं होना है, यहाँ से आए गए, अरे यार, अरे तो उनको शर्म लगती है। ये देखो, तो बबीता दीदी ने सुबह आके इतनी साफ सफाई कर ली है। देखो अभी इतना और काटना है, तो मुझे ये जो गट्ठा है इसको ऊपर रखना है। तो अभी वहाँ दिखाऊंगी, और ये हमारी लाई हुरकी देखो हमने ऊपर लगाई है, अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो मैं जा रही हूँ ऊपर जहाँ भैंस है वहाँ घास रखने के लिए जा रही हूँ। तो ये उनको शर्म लगती है, तो देख नहीं रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। तो मेरी सास में यहाँ है, ये देखो सास में भी सफाई कर रही है। तो देखो ये हमारी हरी सब्जी। तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर घास रखने के लिए। तो आज मुझे घास रखने जाना है, एक दो घास जाऊँगी मैं, घास ही सारना है। हाँ घास ही सारना है, तो लोग काट रहे हैं अभी, हम इतनी सफाई करनी। देखो ये देखो पूरे हमने पूरा झाल हाल सब निकाल दिया है, मैंने आपको दिखाया था ये। हाँ ये देखो, और हमारे वहाँ, और हमारे वहाँ एक नया फूल और खिला है वाइट कलर का, देखो ये, ये देखो वाइट कलर का फूल और खिला है। और गुलाब का फूल हमने दो तोड़ दिए, एक ही बचा है। हाँ देखो, तो सारा नहीं देख रही हैं। तो देखो इतने सारे पुए हैं, अभी मेरे को आधे वहाँ रखने के लिए जाना है। ए भाई हुई, तभी सास में थोड़ी देर के बाद ऐसे हाथ हिलाएंगी। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर घास रखने, जितनी जल्दी हाय बोलेंगे उतनी जल्दी हम वीडियो एंड करेंगे। तो बोल दिया हाय तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये देखो, तो अभी दिखाती हूँ ऊपर हमने कितनी लाई लगाई है। तो अब हम लगभग जाने लग गए हैं। ये हमारा पानी का टंकी है, देखो ये अंदर का पानी सब यहाँ आता है जब हम बर्तन साफ़ करते हैं। तो ये हम यहाँ मोटर लगा के पानी को हमने खेत में वो कर देते हैं। तो अभी देखो इतना भी और साफ़ करना है, सफाई करना और बचा हुआ है। और देखो टमाटर ये, तो मैं जा रही हूँ ऊपर, तो आपको दिखाऊंगी वहाँ भैंस, ठीक है? तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, तो हमें मीटिंग चल रही है। तो एक चाची यहाँ बैठी है, तो अभी जनसंख्या काफ़ी कम है अभी, बाकी लोग अभी आए नहीं है। तो अभी आ जाएंगे तो काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पे, तो अभी आई नहीं, अभी भीड़ हुई नहीं, मुझे सोचा मैंने सोचा था काफ़ी भीड़ होगी, तो अभी हुई नहीं है। तो हमें बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, ये बुढ़ी अम्मा भी आ रही है।
बच्चा है अभी अम्मा है अम्मा इसे करो हाय हाथर करो ऐसे हाय तो अम्मा काफी उत्सुक है वीडियो बनाने के लिए वीडियो में आने के लिए वो गए तब गए तीन बार हाथी ला लगे तो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे दो तीन हैं सिग्नेचर कौन सा मिले अरे एक आता है मिल फिर तो देखो यहाँ इतने सारे बंदर आए हैं देखो स्कूल के ऊपर ये देखो ये आजकल के बंदर डरते नहीं हैं कुत्ते को देखो कुत्ते को देखो ये देखो बंदर ऊपर है कुत्ता ये है तो अब दिखाती हूँ यहाँ पे मीटिंग है तो काफ़ी जनसंख्या हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जनसंख्या उमड़ी है देखो 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 देखे अम्मी कितने लोग हो चुके हैं यहाँ पे ये हरी दादी की मम्मी है एक बुको कौन सी बात एक ही बात ये देखो तो हमने लगा दी हरी सब्जी लगा दी है तो बाद में खाते हैं इसको हरी सब्जी ही सब्जी ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे क्या पहाड़ में हम वही खाते हैं तो हमने लगा दी है और देखो चार दीवारी कर दी है सुबह आए थे सास ससुर चार दीवारी कर दी है यहाँ को चाची लोगों का है उन्होंने अभी उनका भी उन्होंने लगाया नहीं है कुछ उनका भी ऐसी है जाता नहीं जो तो सामने घर में है शादी तो यहाँ पे इतना अच्छा फ्लावर खिला है मैं आपको दिखाती हूँ पता था वो आप बूढ़ी दिवाली होता है हमारे वहाँ तो ये देखो आज मोमबत्ती कैंडल जलाया हुआ है तो हमने दिए रख दिए हैं संभाल के तो एक्चुअली मेरे को पता नहीं था यहाँ पे बूढ़ी दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे मनाते हैं मतलब तो मैं दिखाती हूँ अंदर हमने भी आज मोमबत्ती जलाए हैं देखो छोटी सी मोमबत्ती है ये देखो दिखाते हैं मंदिर ठीक है देखो मिठाई रखी है और देखो ये खिल मिठाई इसमें भी है इसमें भी इसमें खिलौने हैं ये और एक मोमबत्ती मैंने यहाँ पे चलाई है और ये तो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे हम कि आज क्या क्या स्पेशल बनने वाला है तो ये मेरे यहाँ मेरे ससुराल में मना सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं बूढ़ी भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता घर पे तो देखते हैं आज क्या क्या स्पेशल बनता है ठीक है देखो यहाँ पे एक रीति रिवाज है कि घिनाए का लगे लगाते देखो यहाँ पे दरवाजे पे देखो तो इससे वो होता है क्या कहते हैं घिनाई बोलते ना होता है देखो अभी सासमा लगा रही है ये कहीं भी लगा दो अटक गया वो लटक गया तो अभी सब जगह लगाएंगे धिनाई लीजिए तो महीना लगाएं जब धिनाई भी वो लोग नहीं भाई सब लोग नहीं भाई अच्छा अच्छा एक गिलास वाले तो यहाँ भी लगाएंगे देखो देखने का है एक अंदर भी लगाएंगे मंदिर वाला ठीक
चलो खिनाई देखो अटका दिया है, हसना लगा रही हैं, अभी देर में आ रही हैं ऊपर से। इसकी पूजा हो रही है, लगा रहे हैं जड़ को। तो उस वहाँ मोमबत्ती छो पहन में पहनो मोमबत्ती छो शान में को आना तो नहीं अटक रहा, क्योंकि अटकने वाले है नहीं कुछ। कैसे अटकेगा, ऐसे ही अटका दो। तो देखो थोड़ा जूम करके दिखाते हो, ये इसको लगाते हैं यहाँ पे। नहीं आने भाई मुझे बाद में हम बजा लगे हूँ। आप के क्या बनूँ खाने में और पूरी सब्जी और उबड़। किसने हमको दही दी है देखो, ये तो मांस पीसेंगे। हाई और सौसे जी काट रहे हैं गडरी, गडरी पिनाओ किसी ने, गडरी गडरी और पिनाओ काट रहे हैं के। क्या मैं पीस रही, इसमें पीसेंगे मांस और मांस की बनाएंगे बड़ी बड़। तो बनने के बाद दिखाएंगे हम कैसे बनती है बड़ी बड़। तो ये है मांस, देखो ये मांस, इसको पीसेंगे फिर बनाएंगे पड़। इतने से हो जाएगा तो आप इसको पीसेंगे यहाँ मिक्सी में। यहाँ पर डालो खाली, मैं हो पूछ कर लिए भाई, हो मैंने इतना कुछ धान भाई और डॉक्टर को क्या हो कौन तो करो स्पीड में कर दे, स्पीड में ये और अमरूद भेजे हैं देखो, और दो कुरकुरे भेजे हैं और एक बिस्कुट का पैकेट भेजा है। बड़ बड़ के बड़ की पूरी, पहले बड़ फिर इसी की पूरी भी बनती है। तो अभी हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी। बना रही है बड़ बना रही है, देखो अपने साथ देखेंगे बड़। देखो और ये बने की पूरी और ये बड़ है देखो। तो हमने मिक्सी में पीस के रखी है यहाँ पे, अभी इतने भी बाकी रखी है ही। अभी सासू ने सासू चाय भी साथ साथ में पी रही हैं, ये देखो चाय की चुस्की लेते हुए। अब तो अभी तेल नहीं हुआ है, चाय की जिसकी लेते हुए बड़ बना रही है। तो
तो देखो ये बना रही मैं दूध, गर्मा गर्म दूध पी लिया, एक गिलास पक गया पूरी। ये मेरी मम्मी ने भैया है, आज मैं दूध पी रही, बहुत टाइम बाद पी रही हूँ। बड़ बन रहे हैं देखो, अभी बड़ बड़ डाल रहे हैं सासू माँ। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी होंगे ये खाने में, अभी देखते हैं। और ये बड़ की पूरियाँ हैं, अभी बना दी हैं, इन्हें मसाला डाल दिया है, अभी थोड़ी देर बनाएंगे इनको, पहले बड़ बनाएंगे ये। वो ज़्यादा मंगा दे दो अल ना। अच्छा क्या, अरे हो चिपक जाना। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरियाँ, ये गर्मा गर्म बड़ बन रहे हैं, उसके बाद बनेंगी पूरियाँ, और इसमें सब्जी बन चुकी है, फिर पूरियाँ, फिर हम खाएंगे। आप लोग देख सकते हो जूम कर रही हूँ बड़, इनके अंदर डाला है मसाला, क्या मांस, मांस पीस के डाली हुई है देखो। बाकी सब बड़ बना रहे हैं और उतने यहाँ पे रखे हैं। अभी ये देखो, ये मेरी मम्मी ने भेजा कुरकुरा, ये 5 रुपये कुरकुरा भेजा है, और बोली थी कि बहुत बड़ा कुरकुरा भेजा है, अगर मेरी ब्लॉग देखेगी तो वो पता लग जाएगा। और ये वाला बिस्कुट भेजा है जो मेरे को अच्छा लगता है, देखो मम्मी ने, मम्मी ने वाला भेज रखा है। तो सासू माँ उसको ऐसे भीगा 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 के खाएंगे। मतलब मुझे सौ खाने लिया दिन तो खाना चाहिए। देखो गर्मा गर्म देखना, अभी इसको पलटेंगे फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, अभी वाइट हुआ है, उसके बाद हो जाएगा काला काला सा, पीला पीला हो रहा है बनने के बाद। तो हमने झाझर भी हम नया वाला संभाल के रखा है, तो पुराने जमाने का निकाल रखा है हमने, देखो ये हमारे पुराने घर में था, हम उसको लेके आए हैं। हम यहाँ ये है ब्लॉग, ये देखो इनका कलर हो गया है चेंज, ये पकने वाले हैं। अभी और है तंदर की बड़ा मसाला डाल भी पड़े और बड़े बड़े दियो पड़े पुल्ले हो तेल बढ़ा सकते तेल बढ़िया हो जाए। ये अम्मा बुढ़ी सी ना अम्मा, वो कब तो बुढ़ नहीं भी पे क्या तो नहीं हुई, बस सहलू होने क्या। बूढ़ी दिवाई तो भाकुनी का त्यौहार होता है, भाकुनियों भाकुनियाँ जितनी भाकुनियाँ खीरा कोट सेल और गुरुड़ा गुरुड़ा मेला हैं नहीं पा गुरु गुरु मेला रहा गुरु मेला ऊँचा। अच्छा तो आप लोग देखो इनका कलर चेंज हो चुका है, जो पक गए हैं ये बाकी पन रहे हैं। तो ये सैल बूंगा और खीरा कोट में बनता है मेनली, यहाँ पे भाकुनी लोग रहते हैं तो उनका माना जाता है त्यौहार। जब जब त्यौहार था बैगरी का, तब ये गए दुआई लेने, हाँ हार गए, हार गए ने क्या दिन के बाद दुआई लेके आए, क्या दिन के बाद आए तो फिर त्यौहार कहाँ से मनाते, बाथरूम बनाया तब ये बैठी याद होगी, तभी त्यौहार मनाया जाता है, तब बात मना रही। अच्छा जुए में हरवे फिर मिल गया, हरवे मर गए हैं जब जितुन तब तो। अच्छा पता आई मुझे कि अच्छा क्या, तो तब से त्यौहार मनाया जाता है, आपको सासू माँ ने बता दिया है पूरी डिटेल में, तो बाकी लोगों को तो पता ही होगा। ये भाई है ना खीरा को बूंगा शेर छोटा भाई मजला 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 भाई हाँ, लास्ट है छोटा वाला
लाडला भाई मजला वाला बूंगा गरम पूड़ी और क्या कहते हैं इसको बड़ बन चुके हैं आप लोग देखो। ये तो आज का त्यौहार जो होता है ये इसी के लिए होता है, इसको बनाते हैं आज। तो ये भी देखो बड़ की पूरी है, ये भी देखो इसमें मांस पीस के हमने डाला है, जो मिक्सी पीसा था तो इसमें डाला है हमने। तो देखो अभी ऐसे बनाए हैं, देखो रेसिपी है इसकी ये। और बनने के बाद तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं आप लोग देखो, ये इस तरह के दिखते हैं पूरी, इसके अंदर से डाला हुआ है मसाला ये। और ये बड़ हैं और ये हमने यहाँ रखा है इनके लिए, अपने बुजुर्गों के लिए है रखा है, पूर्वजों के लिए ना, पूर्वजों के लिए रखते हैं। देखो गगरास बोलते हैं इसको, यहाँ रखा है हमने दो अम्मा बूबू के लिए। ये गगरास खा लीजिए छू, एक कौवे के लिए और दूसरा बच्ची के लिए। अच्छा मिस अम्मा बूबू लीजिए दंगी। अच्छा तो देखो हमने कुछ इस तरह से बनाया है, देखो बनाने के लिए रेसिपी है। अभी देखना इसको ऐसे अलग से बनाएंगे, खाओगे तो देखते रह जाओगे, खाओगे तो खाते रह जाओगे और उंगली कट जाएगी खाने में, कट जाएगी। हाँ अभी देखते हैं कैसा बनता है। लगभग इतनी पूरी हमने बना दी है और इतनी पूरी है, अभी हम कम कम में खाएंगे क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ बना रखा है। एक गड्ढे की सब्ज़ी है, अभी हलवा भी बनाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ, देखो ये पूरी बन रही, दो अभी दो और पेंडिंग है, अभी सासू माँ बना रही हैं तो बनी ना। ये देखो तो ये आटा है, आटे में डाला है, इसको मैश करके ये बना दिया है। देखो रेसिपी कुछ इस तरह से, और आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ऐसे बनती है कुछ इस तरह से नमकीनों के लिए। सुबह से लेके अभी तक का मैंने आपको सब कुछ बताया था। सुबह हमने साफ सफाई करी थी वो आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि हमने हरी सब्जी लगा दी है, लाई बोलते हैं जिसको। तो हमारे पहाड़ में अभी अभी के सीज़न में हरी सब्जी को ज़्यादा मतलब लोग खाते हैं, मतलब अच्छा अच्छा है, विटामिन सी होता है उसमें। तो अभी आज है भूल दिवाली, तो मैंने आपको बताया था हफ्ते मनाते हैं त्यौहार यहाँ मेरे ससुराल में चनौला में। तो यहाँ पे खीराकोट और बूंगा और सेल में यहाँ पे होते तीन भाई थे। तो सबसे बड़ा भाई खीराकोट का और मजला भाई, अब मेरी भी नहीं है मजला पसा भी मजला भाई बूंगा, और सबसे छोटा वाला लाड़ा वाला वो सहेल का था। तो अभी सासू माँ ने आपको स्टोरी बताई कि हम क्यों इस त्यौहार को मनाते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो मैं अपने ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें नहीं पूरी ब्लॉग को, तो आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। तो देखो अभी हमारी सब्जी बन चुकी है, मेरे साथ में यहाँ पे हैं। तो अब मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, मिलते हैं उस नई चीज़ों के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।